यदि आप अपना सामान ई कॉमर्स पोर्टल्स पर बेचना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या लाइसेंस होने चाहिए और सरकार इसमें आपकी कैसी मदद कर रही है, किस तरीके से मदद कर रही है, आइए आज उन सब चीज़ों के ऊपर बातचीत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जिस टॉपिक को मैं आज आप लोगों के समक्ष लाया हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो ये है कि कैसे शुरू किया जाए अपना ई कॉमर्स का बिजनेस इंडिया में। दोस्तों मेरा नाम है गौरव और मेरा मोबाइल नंबर और मेरी ईमेल आईडी यहाँ दी हुई है, आइए बिना समय गवाए चलते हैं। तो दोस्तों जो बेसिक लाइसेंस होते हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है अगर आप अपना सामान बेचना चाहते हैं ई कॉमर्स पोर्टल्स पे, जैसे कि अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट अगर आप अपना सामान बेचना चाहते हैं किसी भी तरीके का जो कि ई कॉमर्स वेबसाइट बेचती हैं कस्टमर्स को आगे, तो आपके पास क्या क्या लाइसेंस होने चाहिए आइए जान लेते हैं। प्रिसाइजली अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आप बना लेते हैं तो बहुत ही बेहतर रहेगा सेलिंग गुड्स एट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। मतलब अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लेते हैं और उसके थ्रू गुड्स बेचते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन के एसोसिएट बनके, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं और इसे बहुत आसानी से आप अपने सामान को इन्वेंट्री को आउटसोर्स कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन पे। GST नंबर बहुत ज़्यादा आवश्यक है और बिना GST नंबर के आप सामान नहीं बेच सकते हैं किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो अमेज़ॉन हो, फ्लिपकार्ट हो या स्नैपडील हो या कोई और वेबसाइट हो। अगर आप ट्रेडमार्क करा लेते हैं अपने बिजनेस को जो कि जिसके थ्रू आप अपना सामान फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पे बेच रहे हैं, वो बहुत ही अच्छी चीज़ होगी। करंट अकाउंट मस्ट होता है, ओपन करना होता है करंट अकाउंट। मोस्टली बैंक ये बोलते हैं कि अगर आप करंट अकाउंट खोलना चाहते हैं और ई कॉमर्स का बिजनेस करना चाहते हैं तो आपका बिजनेस रजिस्टर्ड होना चाहिए शॉप इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर, मतलब शॉप इस्टेब्लिशमेंट का लाइसेंस होना चाहिए या GST होना चाहिए। केस टू केस डिपेंड होता है, कई बार GST होते हुए भी शॉप इस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत पड़ जाती है दोस्तों। तो इन लाइसेंस के बिना आप ई कॉमर्स वेबसाइट पर सेल आउट नहीं कर सकते अपने आइटम्स। दोस्तों आइए चलते हैं ई कॉमर्स के ऊपर और ज़्यादा जानकारी लेने के लिए। तो क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो कि बूस्ट कर रहे हैं इंडिया की स्टोरी में फ्लिपकार्ट में और अमेज़ॉन में या कोई अदर वेबसाइट में जो ई कॉमर्स की हैं। आजकल 2014 से कई ज़्यादा पॉलिसीज आई हैं, जब से मोदी गवर्नमेंट आई है मोदी गवर्नमेंट ने सब कुछ डिजिटलाइज करने की कोशिश की और इसके तहत सबसे ज़्यादा जो पॉलिसीज बनी है वो बनी है ई कॉमर्स और डिजिटलाइजेशन को लेके। सबसे पहली पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने बोस्टर की थी वो ये थी कि इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी थी और वो भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसके थ्रू होस्ट ऑफ इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिए मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया और इनोवेशन फंड के तहत, जिसके थ्रू ई कॉमर्स कंपनियों की सेल्स बढ़ी है। डिजिटल पेमेंट ऑप्शन ज़्यादा तैयार कर दिए, जिस तरीके से ऑनलाइन पेमेंट आसान हो गई और जैसे ही ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम आसान हुई उसी दौरान इस तरीके का काम हुआ कि भीम ऐप लॉन्च हुई, पेटीएम आगे बढ़ा। डिमोनेटाइजेशन की वजह से जो पेमेंट थी वो बहुत ईजिली ऑनलाइन ट्रांसफ़र होने लगी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे, जिसकी वजह से बहुत आसानी से डिजिटल पेमेंट होने लगी। इंटरनेट का पेनिट्रेशन बढ़ गया और पेनिट्रेशन बढ़ने के बाद ग्रोथ सेल्स की जो थी ई कॉमर्स बिजनेस में वो बढ़ने लगी। कंज्यूमर वेल्थ और लिटरेसी बढ़ी है, जैसे कि आप जानते हैं लोगों का अब रुझान ऑनलाइन सेल्स पे बढ़ गया और लोग बहुत कम ऑफलाइन सेल्स मतलब परचेज करते हैं। तो ई कॉमर्स सक्सेसफुल हो गया और ई कॉमर्स की जो सक्सेसफुल वेबसाइट्स हैं वो है फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन और स्नैपडील। तो दोस्तों FDI रेगुलेशंस के बारे में जानते हैं, ई कॉमर्स में वो क्या है और उनका क्या रोल अहम अदा करती हैं। टोटली जो करंट FDI पॉलिसी है वो ये कहती है कि कोई प्रोहिबिशन नहीं है अगर कोई इन्वेस्टमेंट आती है बाहर से और ई कॉमर्स वेबसाइट में लगती है, बल्कि इसमें ये ध्यान देने वाली बात है कि जो इन्वेंट्री बेस्ड मॉड्यूल है वो चलते रहेंगे और हैवीली रेगुलेटेड रहेंगे और नो स्कोप ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट कई जगह है। इन ए मार्केट प्लेस मॉडल द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अकिन टू मार्केट मेयरली प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर बायर्स एंड सेलर टू इंटरेक्ट एंड ऑल्सो प्रोवाइड द नेसेसरी सर्विसेज लाइक पैकेजिंग, शिपिंग एंड डिलीवरी। ई कॉमर्स का तो बहुत ही अच्छा रोल है, उससे पैकेजिंग, शिपिंग और डिलीवरी करते हैं, माल तो उनका होता ही नहीं है। जो क्लासिक एग्जाम्पल है वो है फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन का, जिसका कोई खुद का सामान नहीं है बट फिर भी वो सामान बेच रहे हैं। हाउएवर इन एन इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल, जो इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल होता है ऑनलाइन कंपनी का, वो गुड्स सेल करते हैं सेलर्स से लेके और आसानी तक कस्टमर्स तक डिलीवर कर देते हैं। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा और बहुत ही कारगर और बहुत ही यूनिक और बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है। तो क्या क्या वारंटीज़ हैं और क्या क्या गारंटीज़ हैं ऑनलाइन रिटेलिंग में, आइए जानते हैं। FDI पॉलिसी ने क्लैरिफाई किया हुआ ई कॉमर्स कंपनी ऑपरेट करेंगी मार्केटिंग मॉडल पे
और कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती वारंटी की। तो वारंटी और गारंटी प्रोडक्ट सर्विसेज की बॉर्न करते हैं सेलर्स। तो जितने भी सेलर्स होते हैं उनकी जिम्मेदारी है जो फ्लिपकार्ट को सामान देते हैं कि वो अपनी वारंटी और गारंटी के बारे में ध्यान रखें। तो दिस मीन्स दैट वाइल सेटिंग अप एन ऑनलाइन रिटेल कंपनी योर कॉन्ट्रैक्ट्स मस्ट बी मैंडेटरी मेड इंक्लूडिंग ए क्लॉज ट्रांसफरिंग द ऑनर्स ऑफ मीटिंग सच एज ऑब्लिगेशन ऑफ द सेलर। सेलर्स को ये ध्यान में रखना है कि उनके कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल ही चाक चौबंद हों। लिमिटेड केस होते हैं जहाँ लाइबिलिटीज आती हैं रिटेलर्स पे, तो मतलब फ्लिपकार्ट बच जाता है, अमेजोन बच जाता है, अगर कोई भी सामान में कोई गलती है तो सेलर्स की जिम्मेदारी होती है। FDI पॉलिसी फॉर मैन्युफैक्चर एंटिटी अगर देखी जाए तो FDI पॉलिसी मैंडेट करता है कि मैन्युफैक्चर परमिटेड टू सेल इट्स प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया थ्रू होलसेल एंड रिटेल। बहुत ही आसानी से आप अपना माल बेच सकते हो विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल, कि बिना किसी गवर्नमेंट अप्रूवल का मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी सेल कर रही है अपनी 100% FDI ऑटोमेटेड रूट में इंडिया में। तो द फ्यूचर है ई कॉमर्स का नेक्स्ट 5 ईयर्स में बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत ही क्रिस्प होने वाला है, और ड्रोन्स के थ्रू हो सकता है कि आपको देखने को मिले डिलीवरी इंडिया में भी पॉसिबल हो जाए। FDI पॉलिसी जो ट्रेडिंग एंटिटीज़ की आई है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। फॉर दोज बिजनेस दैट आर एंगेज इन B2B ट्रेडिंग विच में बी इन कैश और होल सेल ट्रेडिंग 100% ऑटोमेटिक अप्रूवल रूट FDI इज़ परमिटेड। आराम से कोई भी बाहर की फॉरेन एंटिटी 100% अमाउंट डाल सकती है, इजीली इन्वेस्ट कर सकती है ऐसी एंटिटीज़ में जो कि B2B ई कॉमर्स में लगे हुए हैं, जो उनका जो कस्टमर बेस है वो भी B2B है और जो सेलर बेस है वो भी B2B है। तो ऑल दो इट एक्सक्लूड्स एनी रिटेल सेल नहीं कर सकते। सेलिंग टू इंडस्ट्रियल कमर्शियल इंस्टीट्यूशनल एंड प्रोफेशनल बिजनेस यूजर्स आर कंसीडर्ड होलसेल कस्टमर्स इफ दे मे गेट कंज्यूमर्स। तो बहुत इजीली ट्रेडिंग एंटिटीज अपना काम कर सकती हैं और इसीलिए बिजनेस बढ़ा भी सकती हैं। FDI प्रोहिबिशन मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेड बिजनेस क्या है ये जानते हैं। देयर इज अ कंप्लीट प्रोहिबिशन ऑन ई कॉमर्स प्रेजेंस बाय दोज एंटिटी व्हिच हैव FDI इन मल्टी ब्रांड ट्रेड रिटेल ट्रेड। अगर आप मल्टी ब्रांड में डील करते हैं तो आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं ला सकते, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं। मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेड इज ए कॉन्सेप्ट, आइए इसके बारे में जानते हैं, जिसके थ्रू सेल करते हैं आप बुके ऑफ ब्रांड्स अंडर द सेम चेन। तो जो सेम चेन है मतलब एक एंटिटी के थ्रू आप बहुत सारे गुड्स बेच रहे हैं, बहुत सारे ब्रांड्स के गुड बेच रहे हैं, तो वहाँ पे आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाना मुश्किल हो जाएगा, आप उसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं ला सकते। ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर फ्री टू चूज वेदर इम्प्लीमेंट दिस प्रोहिबिशन और नॉट, ये स्टेट टू स्टेट मैटर करता है। अगर आप एक अपनी वेबसाइट स्टेट में चला रहे हैं और UP ने सपोज उसको अलाउ किया हुआ है मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेड को, तो उसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ सकती है आसानी से विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। ई कॉमर्स बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा रुझान हो चुका है आजकल। FDI पॉलिसी सिंगल ब्रांड रिटेल ट्रेड में क्या कहती है आइए जानते हैं। वेरी रिसेंटली जनवरी 2018 में गवर्नमेंट ने परमिट कर दिया 100% FDI अंडर ऑटोमेटिक रूट इन एंटिटीज एंगेज्ड इन सिंगल ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग। दिस नॉट ओनली हैज द पोटेंशियल ऑफ इंप्रूविंग सप्लाई चेन्स असेस फॉर ब्रांड बट ऑल्सो लिमिट द टाइम कॉस्ट एंड फाइलिंग प्रोसीजर ऑफ फॉरन एंटिटीज ट्राइंग टू एंटर इन टू इंडिया मार्केट। सपोज वॉलमार्ट है, वॉलमार्ट सिंगल ब्रांड रिटेल चेन है और वो बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रही है, तो 2018 में आने के बाद बहुत ही आसानी से इंडिया में अपनी पकड़ बना सकती है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या कहता है, यूनिफॉर्म एप्लीकेबिलिटी ऑन बिजनेस मॉडल रिगार्डलेस ऑफ द टाइप्स ऑफ बिजनेस मॉडल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट विल स्टिल अप्लाई रिटेलर्स और सेलर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन तो सबको दी हुई है, वो चाहे रिटेलर हो, चाहे सेलर हो, चाहे बायर हो, कोई भी हो। जो मोस्ट रिसेंट केस है अमेजोन का वो ये है कि अमेजोन हैविंग टू हैव टू पे अ पेनल्टी ऑफ अ फ्यू थाउजेंड फॉर इनकरेक्टली डिस्प्लेइंग द प्राइस ऑफ अ लैपटॉप विच हैज ऑर्डर्ड बाय अ कस्टमर, एंड दस कोर्ट ने ऑर्डर किया कि आपको तो पेनल्टी देनी पड़ेगी अगर आपके प्राइस में डिफरेंस है आपकी वेबसाइट पे दिए हुए प्राइस में और जो आपको प्रोडक्ट डिलीवर हुआ है उसमें। तो कोर्ट ने आदेश दिया अमेजोन को कि आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, ये अधिकार है कुछ कस्टमर्स के। तो दोस्तों अगर आप अपने खुद का ई कॉमर्स स्टोर खोलना चाहते हैं या ई कॉमर्स पर सेल आउट करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट और आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे इस नंबर पे पिंग कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो दोस्तों इस वीडियो को छोड़ने से पहले कृपया वो सब्सक्राइब का लाल वाला बटन ज़रूर दबाएं और उसके बगल में जो बेल का वो ग्रे कलर का जो बटन है जो उछल रहा है फुदक रहा है उसको भी ज़रूर दबाएं। मेरी ईमेल आईडी और ये नंबर यहाँ दिया हुआ है, आपकी कोई भी क्वेरी है तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू।
एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल बटन। ये वीडियो किसी तरीके का एडवर्टीजमेंट वीडियो नहीं है, एक तरीके का ट्यूटोरियल वीडियो है कि किस तरीके से आप भी अपना सामान बेच सकते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट पे। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड थैंक यू सो मच। डू सब्सक्राइब।